हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। माय नेम इज भवेश। माय नेम इज चिंकी, सॉरी माय नेम इज जगदीश और चिंकी, ये है चिंकी। तो मेरे पास इंस्टा पे सैयद अली अल अबीदी जो है उनका वो आया था, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। उन्होंने ट्रेवलिंग विथ एम आई पार्ट कराची टू पस्सू वीडियो मुझे सेंड किया था, लिंक शेयर किया था। थैंक्स वेरी वेरी मच। तो अब देखते हैं वीडियो कराची टू पस्सू। कराची के बारे में तो हमें पता ही है, पस्सू है तो शायद एक लॉन्ग जर्नी है। तो उसका वीडियो है, तीन पार्ट में है शायद वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट आज हम देखने वाले हैं, तो आइए हमारे साथ में घूम के आते हैं कराची टू पस्सू, है ना। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो प्लीज़ आप खुश होकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर अनसब्सक्राइब करना है तो चिंकी से बात कर लीजिए। हाँ नहीं कीजिए, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को शुरू, उसके बाद बात करते हैं। ओके, मैं और इसान हम अभी एयरपोर्ट के रास्ते में और कराची से इस्लामाबाद जाने का काफ़ी लंबा एडवेंचर आगे प्लान है। दिल नहीं चाह रहा कराची से जाने को, क्योंकि आज जब हम कराची से निकल रहे हैं, गर्मी थी तो यहाँ पे कराची का बड़ा मौसम भाई मान हुआ। इस बार एहसान का अपना व्लॉगिंग कैमरा होगा तो हाई क्वालिटी आपको कर सकते हैं ना। थैंक यू। बोर्डिंग पास भी है हमारे पास, ये वाला। गाड़ी कुछ दिन पहले मैंने इस्लामाबाद भिजवा दी थी अपने दोस्त अमार के पास। हम शुमाली पाकिस्तान का लगाने जा रहे हैं चक्कर। एक तरफ अमार की म्यूजिक वीडियो बन जाएगी और दूसरी तरफ ये व्लॉग। एक आखिरी काम है इस्लामाबाद में लॉन्ग ड्राइव से पहले, मी स्टोर की विजिट। ओह, मी मिक्स 2 भी पड़ा है यहाँ पे। मी से खिलौने लेके बैग में डाले। ओ हाँ, मेरे बैग में इस वक्त है क्या क्या, मुलायजर तो नहीं है, कार का USB चार्जर, Osmo मोबाइल, सोनी की 100-400G मास्टर लेंस विद 1.8x टेलीकन्वर्टर और व्लॉगिंग के लिए एक वाइड लेंस। मैं अपने साथ अपने GoPro की किट लेके जाने ही वाला था, लेकिन Xiaomi ने मुझे एक 4K एक्शन कैम दिया, तो इस बार एक्शन कैम की सारी फुटेज इस कैमरे से लेंगे। ड्रोन में मेरा सिंगल क्रैश सर्वाइवर Mavic Pro, एडिटिंग और बैकअप के लिए MacBook Pro, कैमरा बैटरीज, स्टोरेज के लिए SD कार्ड्स, मी की स्पेयर कैमरा के। I've heard good things about this. जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे बिजली नहीं होती, तो सोलर पैनल चार्जिंग के लिए जरूरी है। I'm a Mi fan. एक Amazfit पेस हाइक्स को ट्रैक करने के लिए, मतलब कि पेज का स्केट हो तो इतनी सेक्सी। 20,000 mAh का पावर बैंक विद USB-C चार्जिंग, यानी कि मेरी MacBook Pro भी इससे चार्ज हो जाएगी। और ये फोन जिसका मैं पता नहीं कब से इंतजार कर रहा हूँ। आगे जो जर्नी आ रही है उसके लिए मोटो बहुत अप्रोप्रिएट है। फुल बेजललेस स्क्रीन, यानी कि नो नॉच। अगर आप नहीं जानते तो Xiaomi के पहले Mi Mix ने बेजललेस का ये ट्रेंड शुरू किया था। पाकिस्तान में Mi के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर SmartLink Technologies हैं। थैंक यू Mi। तो यार सुबह के 4 बजे हैं, हम सारे उठ के हैं और अमार जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत एक्साइटेड है। अपनी कुत्ती को भी साथ लेके जा रहे हैं नवीद। मुझे लगता नहीं है तो सर्दी लगने वाली है वहाँ पे, क्योंकि तेरा इतना बड़ा जो स्वेटर लगा लगाया ना, कुदरती तेरा स्वेटर जो है ना। And right when it stops dripping, pull it out and then put this inside. So Naveed's Amar's roommate and he's taken the better coffee maker and is leaving the shitty one. I'm going for a year in the mountains. At least I can get good coffee, right? Unne ek saal decide kiya hai ki wo bilkul hi wilderness mein jaake rahenge. Bhai hamara to sirf 10 din ka hi plan hai. Ehsan ready? Ready. जब बाबूसर टॉप वाला रास्ता बंद हो तो आपको कराकोरम हाईवे का लंबा रास्ता लेना पड़ता है, 18 घंटे लग जाते हैं। तो इसने टोल कार्ड भी नहीं लिया, ठीक है। अब हम मोटरवे पे जा रहे हैं, अब जहाँ पे उतरेंगे वहाँ पे जुर्माना भरना होगा, एहसान अपनी जेब से भरेगा। बस गोरी करा के चला गया उस बंदे। भाई मैं नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? वीआईपी। अभी इतनी सी गाड़ी, अभी बड़ी और गाड़ी लेंगे तो फिर तू क्या करेगा? मैं हवा में उड़ाऊंगा। हवा में उड़ा। जब तक हवा में उड़ने वाली गाड़ी आजाद नहीं हो जाती तो जमीन पे चलने के टोल तो हम देते ही रहेंगे। रात बेशाम हिल्टन होटल, यहाँ कभी शाम नहीं आती। अमार फरूकी की बारी है गाड़ी ड्राइव करने की और मैं पीछे बैठूंगा। एयर सर्कुलेशन जरा थोड़ी काम नहीं कर रही। कोई ऐसा सिस्टम है जिससे एयर सर्कुलेशन बेहतर हो जाए?
सिस्टम सर्कुलेशन भी करता है लेकिन ऐसी फिल्ट्रेशन करते हैं कि गोरियां भी भाई की छोड़ी हुई ना पकड़ पाए। तो दोस्तों 12 घंटे हो गए हमें सफ़र करते हुए, 6 घंटे एहसान ने गाड़ी चलाई और अब तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं अमार को गाड़ी चलाए पे। मेरी बारी आने वाली है, तब ये सारे औजार उतार दिए जाएंगे। अभी असल में झटके इतने आ रहे हैं कि मेरा सारे दर उधर दर उधर लुढ़क रहा है और लग रहा है, तो ये कुशनिंग हो जाती है ना, इसको कहते हैं बेहोश आदमी। इस तरह की सड़कों पर चलाने के लिए 4x4 रखना ज़रूरी है भाई। तो लैंडस्लाइड हुई भी है दासू में? लैंडस्लाइड नहीं हुई है, दे आर कंस्ट्रक्टिंग। ओके, सही बोल रहा है चाचा नवीद, दे आर कंस्ट्रक्टिंग। चाइनीज ठेकेदार नजर आया, टेढ़ी चढ़ाई देख रहा था हमें, उम्मीद है मुल्क के हालात सही कर जाए। टोटल में 3 रोड ब्लॉक्स थे जिससे 18 घंटे का सफर 22 घंटे का हो गया। हम इस वक्त गर्मी से ठंड की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे पत्थरों की बरसात हमारी गाड़ी पे भी हुई है जाते जाते। जब भी कोई नाका आता है ना, तो एनी को थोड़ा सा ऐसे नाटक करना पड़ता है जैसे कोई यहाँ की रहने वाली है। हाय, हाय। पाकिस्तानी लग रही है? ये है हमारी दोस्त एनास्तासिया शोरविश। हाउ वाज दैट अगेन? एनास्तासिया शोरविश। आ, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू से दैट। एनास्तासिया शोरविश। जलास पार करना बहुत जरूरी है सूरज ग्रूब होने से पहले, क्योंकि वो खतरनाक इलाका है। ज्यादा रुकने का वक्त नहीं मिल रहा। डीजल के लिए रुके। अगले दिन यूखानो आ गया और हम निकल गए। यहाँ की रोडें चेक की, ये देखो मी के एक्शन कैमरा का रिजल्ट तो आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम खंजराब जा रहे हैं, तो अभी ये चेक पोस्ट आ गई है और एंट्री पॉइंट है, और अभी मैंने मारखोर देखे हैं जो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा है। एंट्री कर रहे हैं। बकरियाँ होती हैं? बकरियाँ होती हैं, हाँ, लेकिन बहुत मज़ेदार। खानी है? खाने की। आज यूखानो 1 बजे पहुँचा है, इसकी लगेज नहीं पहुँची, तो भाई साहब चढ़ियों में चल रहे हैं और कह रहे थे कि चलो चलो कोई मसला नहीं है, मैं तो पठान हूँ, मुझे तो ठंड नहीं लगती, लेकिन खंजराब पास पेट गेट्स अबाउट -4°C। मैंने इसको अपनी पैंट्स दे दी। तो ना सिर्फ हम व्लॉग्स के मामले में कलैबोरेट कर रहे हैं, हम कपड़ों के मामले में भी कलैबोरेट कर चुके हैं। ये कपड़े दिए हैं मुझे मुरू पाजी ने। टर्न्स आउट यूखानो डजंट लाइक ट्रैवलिंग। Yeah, but I don't like traveling. A, I have motion sickness. B, I get cranky. C, I get moody. सारी वो चीज़ें जो लड़कियों को PMS पहले से। हेलो भाई, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं जी खंजराब पास। This is a traveler. आधा घंटा है हमारे पास और आधे घंटे में हमने 50 किलोमीटर कवर करने हैं और रास्ता आप देख सकते हैं कैसे। कैसा महसूस हो रहा है आपको? यूँ कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, ठंड की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नम हो गया, हाथ नम हो गया, टिप मेरी गॉन है, मेरी ये एयरलॉक भी गॉन है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि एक खूबसूरत तरीन नजारा है जो हम आपको अभी दिखाएंगे। यस, रोल बी रोल। ठंड इतनी थी कि जितनी तेजी से हम आए थे ना, उतनी ही जल्दी से हम वापस भाग गए। धूप काफी तेज है तो सनब्लॉक लगाना बहुत जरूरी है। यूखानो देख रहे हैं आप, सनब्लॉक लगा रहे हैं, जरूरी चीज है, और ऊपर से अगर वाइट स्किन हो ना जरा ज्यादा तो नाक सबसे पहले ये देखो टांगों पे भी। दिस आई हैव बीन टोल्ड इज द लोकल चॉकलेट। जब आप खाते हैं तो झटका लगता है। दिनों ख्वातीन, दिनों ख्वातीन, ठीक हो? मैं मुरू के साथ यहाँ पे हंजा आया हूँ, बहुत मज़ा आया यहाँ पे जी, ट्रिप किया हमने, ट्रिप ओके आई गेस अनदर टेक। कताब से पुख्तो दर्जीनों पर पुख्तों के सब्सक्राइब किए, अगर आप उर्दू आती तो उर्दू में सब्सक्राइब करें, इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश डू इन इंग्लिश, एंड इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच
German. German. Unbedingt Omar Khan auf seinem YouTube Channel. इतनी बड़ी सिफारिश लेके आए यार, अब तो आ जाओ. क्या मैं आपको लोगों को बताऊं, जन्नत है. Just put it all in your bag, man. Yeah, yeah. Just shove it in there. तो दोस्तों ये है नवीद. Naveed, quick introduction. Hey guys, I'm Naveed Khan. I run Hunzan Foot Tours, and we're going to be going to Khurramabad today to shoot Ammar's music video called Caveman. Annie, are you excited? I'm totally excited. 3 hours of trek. Let's see how long we can remain excited about it. So this is nothing for me. Excited bhi hoon aur maza bhi aa raha hai. Aaj hum ek light trek kar rahe hain taki thodi si taange khul jaye. अमार का है? अमार फारूकी पीछे रह गए, तो उसको लेने आओ. अमार? Why are you taking so long? Because I was packing. अमार अपनी म्यूजिक वीडियो का वार्डरोब भी उठा के आ रहा है साथ साथ. So we are walking to a shepherd hut in the wilderness. Is it in the wilderness? I think so. I think it is in the wilderness. Naveed is reluctant in telling you where we're going. मगर हम जा रहे हैं खुरमाबाद, जहाँ पे ना बंदा है ना बंदे की साथ है. नवीद हमें बताएं या ना बताएं, हमने अपनी अमेज़फिट पेस से ट्रैक को ट्रैक करके गूगल अर्थ पे मैप कर दिया. एम्बेसडर होटल से कराकोरम हाईवे के साथ वॉक करते करते दुकान तक गए. चाय पी, थोड़ा सौदा सामान लिया और हाईवे से उतर के अपना रुख कुदरत की तरफ मोड़ा. नीचे से पानी ऊपर आता है और फिर वापस नीचे चला जाता है. दरियाए पस्सू के किनारे चलते चलते उसको पार करने वाले पुल को पहुंचे. इस तरह का पुल पार करना ज़्यादातर लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं, मगर मेरी तो भाई हाथ में ही आ जाती है. पहली बार गुजरने के लिए आयतन कुर्सी पड़ी. ये पीछे जो हमारे गुजरा है इसको कहते हैं पस्सू रिवर. ये आगे जाके हुंजा रिवर बन जाता है और उसके बाद दरियाए इंडस में बहता है. इसको हमने 3 छोटे छोटे पुलों के जरिए पार किया. miles, यानी कि 5 किलोमीटर. आखिरी एक मील में तो एक नया ही चैलेंज आ गया. सनब्लॉक लगाए थे सर? ना. लगा ले, ये धूप ऐसी है कि जला देगी. हाँ चलो आगे जाके लगाते हैं. इन लाबाद जगहों पे जानवरों का राज चलता है और हम बस्तियों में बिगड़े लोगों के लिए यह हालात थोड़े मुश्किल हो जाते हैं. कैसा महसूस कर रहे हैं? थकाव महसूस कर रहा हूँ. अभी अभी आगे जाके ना कांटो वाला जंगल आ रहा है, तो जब हम उसके बीच में से गुजरेंगे ना, तो आप अपने हाथ अंदर की तरफ करके जाते हैं. I know about that. How are we going to go through that shit? Look at this shit. Look at this. Naveed, what are you doing there? I'm waiting for you guys. Naveed's given up. This is where the party's at, guys. Man, we've called for backup. We're going to die. And the funny thing is, our savior's name is Saddam. Where are you going? Saddam? It's wrong, right? What the f***? ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे कितने कांटे हैं. बहुत बुरे कांटे. मैं इस वक्त अपना मीमिक्स निकालना नहीं चाहता था क्योंकि ब्रांड न्यू है और मुझे स्क्रैचेस नहीं चाहिए. The sun is all the way over there. वो लोग फंस गए हैं कांटों में
और मैं तो देहात का रहने वाला हूँ, तो मुझे कांटों से क्या फर्क पड़ता है। यू नो अबाउट दैट, आई नो अबाउट दैट, आई एम द बेस्ट। चलो घर तो कम से कम नजर आना शुरू हो गया। कांटों के पार है एक जगह जहां सामान का भार उतार कर संभाला जा सकता है, यानी कि घर। कभी मैं शायर, कभी गहरी बातों में माहिर, कभी मैं शोला, कभी मैं खाक में सोया हुआ। चली गई कभी तू मौसम और कभी तू सूरज की छुआओं की बादल से मस्ती। ओके तो ये था वीडियो। हाँ बहू और चिंकी अपने रिव्यू दीजिए इस वीडियो के बारे में। मैं तो ये बोलूँगा कि जगह काफ़ी खूबसूरत थी, है ना। ऐसी जगह तो शायद इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी ऐसी जगह, है ना, जो ब्यूटी है हिमालयास की और काराकोरम जो रेंज है ये आपस में शायद मिलते हैं इस जगह पे, है ना। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं, काफ़ी बहुत ऊँचे हैं ना, और उनके बीच में सड़कें हैं, घर, मतलब जो ब्यूटी है नेचर की वो बिल्कुल यहाँ झलकती है ना। और सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग नहीं है, बहुत कम है, पब्लिक ज़्यादा होती है तो उसका कचरा कर देती है, तो लेस पब्लिक कम होती है तो उस जगह का मज़ा ही कुछ और ज़्यादा, जो साइलेंस होता है वो, है ना। बाकी जो व्लॉगिंग है इन्होंने की है, काफ़ी अच्छा है उनका बोलने का तरीका, उन्होंने डिस्क्राइब किया है हर जगह को। तो ये था पार्ट वन, अब पार्ट सेकेंड देखते हैं, उसके बाद पार्ट थर्ड, है ना। तो दो पार्ट और कर लेते हैं, उसके बाद टोटली क्या बोलना है हमें हम बताएंगे। वैसे बोलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए शब्द काम नहीं आते, वर्ड्स काम नहीं आते, लफ्ज़ बस महसूस किया जाता है। तो ऐसी जगहों के लिए कोई लफ्ज़ क्या यूज़ करें, इसको महसूस करो, देखो। बाकी कांटों के पार गए हैं क्यों, अब आगे की बात भाऊ करेगा। हाँ भाऊ, काफ़ी अच्छा वीडियो था, काफ़ी, हाँ बहुत अच्छी व्लॉगिंग की इन्होंने, और वो थे उनको देख के तभी वो थोड़ा कर रहे थे फन। इनके बीच बॉन्डिंग अच्छी थी, है ना। हाँ। इनके आपस में देखिए कहीं भी घूमने जाते हैं, अगर आपस में पांच जने हैं, अगर आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो एक बंदा तो बोलेगा नहीं यार यहाँ नहीं जाना, दूसरा बंदा बोलेगा नहीं मैं तो फोटो ही खींचूँगा। आपके साथ भी होता होगा, आप कहीं घूमने जाते होंगे तो कुछ बंदे खाली फ़ोटो खिंचाने के लिए जो नेचर का मज़ा लेना है वो नहीं लेते हैं, तो एक बॉन्डिंग होती है आपस में, सब मिल के चलते हैं तो घूमने का मज़ा भी आता है। तो इनके बीच में वही चीज़ देखने को मिली, यही होता है सफ़र में, अगर सफ़र में जो साथी होते हैं अगर वो सही नहीं होते हैं तो सफ़र का कबाड़ा हो जाता है, है ना। जैसे चिंकी और भाऊ एक साथ जाए तो कोई मतलब ही नहीं है, एक दूसरे के बाल ही खींचेंगे क्यों। ओके तो चिंकी ने काफ़ी सारी बातें की आपसे, चिंकी का मुंह भी दर्द करने लग गया है तो कुछ बोलना और नहीं, बस तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में। ओके अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। ओके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, बाय।